अच्छा मैम अभी कुछ टाइम पहले आप और आपकी टीम ने एक पैरा प्लेयर आमिर हुसैन को आप मिले हो जी सो दैट एक्सपीरियंस एंड डेट दैट बेसिक मीटअप ब्रिंग अ चेंज इन योर लाइफ ऑनेस्टली मेरा पर्सनल ओपिनियन जब उनका जो वीडियो देखा जिस तरीके से वो क्लिप्स में पहले मैंने देखा कि वो कैसे बैट को पकड़ते हैं बिकॉज ऑब्वियसली उनके दो लिम्स नहीं है दो हाथ नहीं है और जब उनके मुंह से ही उनकी जो जर्नी हाउ ही एंडेड अप प्लेइंग क्रिकेट और कैसे वैन ही लॉस्ट क्या फीलिंग रही है वॉट इमोशंस एक पर्सन गो थ्रू करता है आई थिंक काफ़ी इंस्पायरिंग रहा है उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इट इज़ अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी क्योंकि विथ ऑल दी ऑब्स्टिकल्स और जिस तरीके से सोसाइटी भी उनके साथ बर्ताव किया इनिशियली उसके बावजूद जो विल और जो डिजायर होती है कि ये करना है ही फाउंड अ वे टू डू इट तो आई थिंक दैट इज इन अ वे इंस्पायर्ड ऑल ऑफ अर्स क्योंकि वी डिंट है गुड टूर्नामेंट ऑफ आर लेकिन वेन वी फाइंड आर सेल्स इन दीज फेज तो वी शुड नेवर गिव अप अगर आप गिव अप करेंगे तो शायद रास्ता नहीं बनेगा लेकिन अगर आप कोशिश करते रहेंगे वी विल फाइंड अ वे आउट एंड दैट इज वॉट स्पोर्ट्स थॉट एंड हिस्टोरी

आई मीन इन पर्सन तो नहीं लेकिन uh, एक ऐसा फैन था जब अर्ली टू थाउजेंड यू नोज टू सेंड ऑन बर्थडे लेकिन पता गिफ्टे oh. कौन बट ही वुड सेंड ऑल क्रिस्टल्स एंड मोर देन मी माई मदर यूज टू वेट फॉर माई बर्थडे क्योंकि उनको पता था कि गिफ्ट आने वाला है आएंगे. एक स्ट्रेंजर से आई थिंक फोर फाइव इस के बाद रुक गया मैं मदर टोल्ड मी लाइक यू नो अभी गिफ्ट नहीं आ रहा है पता <laughs> नहीं क्यों शायद भूल गया होगा मैं कहा नहीं मम्मी शायद उसको गर्लफ्रेंड को मिल गया होगा शादी हो गई होगी इसीलिए नहीं भेज रहा होगा बट otherwise i think i didn't have that crazy experience as such but uh, it was always nice people always had some encouraging words when they meet me so being mithali raj is in itself stature to carry you being not just the international player you represent india you are a celebrity so sma that you have gotten away with certain things <laughs> just because you are mithali raj I'm sure all the celebrities do at some something my, I mean that's what it is like you're a celebrity for, th for that you get a little some perks I would say like in school of course at that time I was I was not a celebrity of this nature but in school when you're in sports or if you're state or country then school you a celebrity you star so right. right. when I was in school and I used to get my this pictures in the newspaper because of my performance I was the star in the school so hmm. I late to <laughs> I would go off to sleep in the class. I was a first bencher. So, if uh, teacher would say, like, you know, you're really tired, you can go and go to the back bench and then get a nap. So, I did get that sort of a privilege when I was in school.